वरुण भाई को बीट कर रही है भाई। ये चक्कर, ये देखो कैसे निकल गए। आ गई लिमिटर बाइक के ऊपर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, आज अपन लेके निकले भाई अपनी KTM RC 200। गाइस काफ़ी दिनों के बाद KTM RC 200 को लेके निकले भाई, और मैं बिली के साथ हूँ भाई। सामने के रैंडम RR 310 मिल गया भाई। ये 200 cc है, वो 310 है, डिफरेंस तो है ही है। बाकी पीलिन के साथ मैं भी हूँ, पीलिन के साथ वो भी है। एक दिक्कत आ रखी है बाइक में ना, काफ़ी दिन से हमने इस बाइक को चलाया नहीं है, तो इसकी सस्पेंशन जो आगे वाली शॉकर है वो लीक हो चुकी है, और साथ ही साथ इस बाइक के ना ब्रेक्स जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं। ब्रेक बाइट ना वो अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट नो वाई, व्हाट्स द रीज़न। तो चेक कर लेंगे भाई क्या पंगा है यार, मतलब समझ नहीं आता, कभी इस बाइक को चलाओ कभी उस बाइक को चलाओ। एक्चुअली अभी नहीं, ज़ारा जो है वो हमने भाई अभी एक फ्रेंड को दे रखा है, तो उनके पास है वो बाइक, तो उसी वजह से मैंने सोचा यार अभी आज KTM निकालते। कल हमने गॉडज़िला राइड किया था, तो डेली एक ही बाइक राइड करके मज़ा नहीं आता है, मैंने सोचा चलो आज KTM निकालते काफ़ी दिनों के बाद। ऑल दो भाई बाइक में ना टैंक फुल है, बट स्टिल यहाँ पे देख सकते हो यार फ्यूल जो गेज है वो शो कर रहा है लो, क्योंकि इसका फ्यूल मीटर भी ख़राब रखा है। मतलब आप बाइक को ना रखे रहोगे ना, रखे रखे कुछ ना कुछ बीमारियाँ होती रहती है बाइक के अंदर, और एक्स्ट्रा खर्चे मांगते रहती है बाइक। तो जो लोग भी बोलते हैं यार मतलब बाइक रखना ख़रीदना आसान है यार बाइक, मैं बता रहा हूँ भाई, कोई भी बाइक हो चाहे कोई सा भी, उसको रखना और मेंटेन करना ख़रीदने से ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ है। क्योंकि ख़रीदने के टाइम ना आप एक बार पैसा देके बाइक ख़रीद लोगे, बट उसको मेंटेन करने में ना धीरे धीरे करके बार बार पैसे लगते रहती है, और बहुत टाइम तो ऐसे होते बेफिजूल के पैसे लगते हैं। उस टाइम आपको लगे यार क्यों एक्स्ट्रा इतनी सारी बाइक हमने रखा है। मतलब इतनी पुरानी होने के बावजूद ना ये बाइक जो है ना, मतलब राइड करने में ना इतने मज़े देती है। मुझे लग रहा है इस बाइक का ना थोड़ा सा क्लच में इशू है, थोड़ा सा क्लच हार्ड हो रखा है बाइक का, बाकी बाइक भगाने में भी मज़ा आ रहा है। ब्रेक्स ना अभी कमज़ोर है, इसी वजह से मैं ब्रेक ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ, और इसी वजह से मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भगाना चाह रहा हूँ बाइक को फ़िलहाल। यार इस बाइक का आज भी मतलब ना कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द BS4 KTM RC 200, और इसका जो साउंड है वो अभी भी मैं मतलब डेफिनेटली बोल सकता हूँ किसी भी KTM RC 200 में ऐसा साउंड नहीं आता है। मुझे मतलब ये वाला जो वेरियंट था ना ये सबसे ज़्यादा पसंद था। अपन निकल चुके हैं भाई, एंड 390 अपने साथ भी पीछे है। चलो अब थोड़ी बाइक खींचते हैं भाई, सोलो होने के बाद ना थोड़ा खींचने का मन कर रहा है। सो गाइस, तो अभी अपडेट ये है ना यार कि मतलब हमने अभी नॉर्थ सिक्किम का पूरा अपडेट लिया है। अभी अपने कुछ भाई लोग गए गैंगटॉक, वहाँ से फिर अपडेट मिलेगा आगे का क्या सीन है। जैसे मतलब मैं वेट कर रहा हूँ यार, बस जैसे ही खुल जाए भाई जाकर पहले बाइक लाना है। बाइक के बिना ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है भाई। एक बाइक मैंने ऑलरेडी खो रखा है, दूसरा नहीं खोना, तो आ चुका है ये 390 भाई। तो होपफुली भाई अपन मतलब बाई रोड ही जाएँगे बाइक को लाने भी, तो देखते हैं कैसे क्या होगा, कुछ अभी नहीं पता भाई हमें। भाई पता नहीं बाइक में हुआ क्या, टॉप स्पीड ना अचीव कर ही नहीं पा रही है पूरा भगाने पे भी। बहुत दिनों के बाद KTM RC 200 वर्सेस R15 M। बाइक के क्लच पे ही डाउट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भाई बाइक भागती थी ना पहले, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है बाइक। बाकी सब तो ठीक है यार, बाइक के ना ब्रेक्स नहीं अच्छे यार, जिसके वजह से भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा बाइक भगाने में।
अभी मेरे हाथ में ना वैम होनी चाहिए थी यार, तब मज़ा आता। एक तो ये नॉन एबीएस है, बहुत रिस्क लग रहा है इसको भगाने में। फिर भी यार उन बाइक को बीट कर रही है भाई ये चक्कर। निकलना तभी पॉसिबल है भाई KTM से जब वो स्लिप से मिलेगा टॉप एंड में। ये देखो कैसे निकल गया। आ गई लिमिटर बाइक के ऊपर। गेम यहाँ पे सिस्टम का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का। वैसे कैसा लग रहा है भाई आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। भाई ये बाइक ना पहले 140 के अप्रोक्स टच करती थी, बट अभी 135-136 का लिमिट आ रही है पता नहीं क्यों, जबकि बाइक रिसेंटली सर्विस भी हुई है। आ जाओ भाई। गायब हो गए सारे। ब्रेक्स अच्छे नहीं है बाइक के, वरना मैं और खुल के भगाता अभी। मैंने आपको बताया ना जब तक स्लिपस्ट्रीम नहीं मिले अरुण भाई को तब तक ये नहीं निकल सकती है। ये चक्कर हो भाई। अभी हाथ में ना बस आरून फाइव होनी चाहिए थी, अपनी वैम रहती ना कसम से और भी ज़्यादा मज़ा आता। वैम का बात ही कुछ और है यार, आई एम मिसिंग राइट नाउ। ये देखो कोई NS वाला बंदा चार्ज हो गया। तो भाई सारे भाई लोग चले गए घर की तरफ और मैं भी अब जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। एक बार बस इसका ब्रेक ना मैं चेक कराता हूँ इस बार जाकर, क्योंकि भाई आज ना बहुत मज़ा आ रहा भगाने में बाइक को। काफ़ी दिन के बाद खोल कर हमने KTM RC को चलाया है। भाई लोग जो भी कहो लेकिन जो मज़ा KTM RC 200 वर्सेज R15 V3 करने में आता है ना, वो भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि ये दोनों बाइक ना एक दूसरे की बहुत ही अच्छी कॉम्पिटिटर है। भाई का नंबर प्लेट लटक रहा है नीचे। यार एक तो अपनी नॉन ABS KTM है, तो मतलब भाई ट्रैफिक में ना भगाने में थोड़ा सा डर लगता है। एक तो ब्रेक्स कम है, ऊपर से नॉन ABS, सोच लो यार कितना ज़्यादा रिस्की होगा। बट फिर भी हमने आपके लिए बिल्कुल दबा के भगाया बाइक को। आगे लग रहा है थोड़ा सा ट्रैफिक है। RC का एक चीज़ बहुत ही अच्छा है यार कि इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो अंडर बेली है, जिसकी वजह से ना कहीं भी बाइक निकल जाती है। बहुत ही स्लीक बाइक है, मतलब इस बाइक का अगर हैंडल निकल गया ना उसके बाद आप आराम से इस बाइक को कहीं से भी निकाल सकते हो। ये देखो भाई बीच रोड पे यार ये लोग रोक रोक कर खड़े रहते हैं, पता नहीं क्या है मतलब।
तो गाइस तो आज की वीडियो को इतना रखेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते भाई किसी ऐसे वीडियो के साथ, अंत तक बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड, डोंट ट्राई टू कॉपी दिस, जस्ट एंजॉय द वीडियो एंड हैव फन।